खुशबू आने लगती है मसालों से, तो फिर हमें ऑनियन, कैप्सिकम और मशरूम को ऐसे ही 5 से 7 मिनट तक सॉटे करना है। बहुत ही प्यारी खुशबू चल रही है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कल्पना बोंडेकर, आप सबका इंडियन टेस्टी रेसिपीज में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई मशरूम, तो फिर चलिए बनाते हैं। कढ़ाई मशरूम बनाने से पहले कढ़ाई मशरूम का मसाला बना लेते हैं। तो कढ़ाई में हम ओरिएंडर सीड्स ले लेंगे, 1/2 टीस्पून क्यूमिन्स ले लेंगे, 3 पॉड्स क्लोव्स ले लेंगे, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, सिनेमन स्टिक 1, ड्राई रेड चिली 3, बे लीव्स 2 और 2 ग्रीन इलायची। अब हमें इन्हें अच्छे से भूनना है, 2 से 3 मिनट तक भूनना है, जब तक ये फ्रेग्रेंस ना छोड़े। 2 से 3 मिनट लगते हैं हमें इन्हें भूनने में। 2 से 3 मिनट में मसाले जो है वो अपना फ्रेग्रेंस छोड़ने लगते हैं, खुशबू आने लगती है मसालों से, तो फिर हम फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मसालों का कलर भी स्लाइटली चेंज हो गया है, तो हम इस स्टेज पे गैस बंद कर देंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं भुनना है। हमने गैस बंद कर दिया है, अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे तो हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। और भी टेस्टी रेसिपीज जानने के लिए इंडियन टेस्टी रेसिपीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमने कढ़ाई मशरूम का मसाला बना के रख दिया है, अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, जिसके लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल लेंगे, इसमें अनियन डालेंगे, बड़ा लेंगे, इसे हमें चलाते रहना है जब तक कि ये थोड़ा कलर के ना कर दे। अभी हम इसमें मशरूम भी डाल देंगे, और इन्हें 4 से 5 मिनट तक सॉटे करेंगे जब तक कि थोड़ा कलर चेंज ना कर दे ब्राउन कलर। इसमें थोड़ा चुटकी भर नमक भी डालेंगे। अभी हमें इसे 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही हिलाते रहना है। जैसे ही बेल पेपर, ऑनियन और मशरूम ब्राउन कलर के हो जाएंगे थोड़ा, तो हम इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए जिस टाइप का हमें कलर चाहिए था पेपर में और अनियन में और मशरूम में, वो आ गया है। अब हम इसे अलग बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, जिसमें हमें 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें फिर जीरा डाल देना है। जीरा जब चटकने लग जाए तब हमें इसमें अनियन डाल देना है। और इसे लाइट ब्राउन होते तक हमें भूनना है। अनियन अभी लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून, 1 to 2 टीस्पून। इसे भी ऐसे चलाते रहेंगे। अनियन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी लाइट ब्राउन होते तक थोड़ा भूनना है हमें,
इसे 4 से 5 मिनट तक भूनना है। देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन ने अभी तेल छोड़ना चालू कर दिया है, तो इस स्टेज पे अभी हम हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मिर्ची पाउडर, और हमने जो इसका मसाला बनाया था वो मसाला डाल देंगे और 1 मिनट इसे चलाएंगे। तुरंत फिर टोमेटो प्यूरी डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे। 4 से 5 मिनट तक हमने ये मसाला भूना है। अब देखिए मसाले ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इस पोजीशन पर हम कसूरी मेथी डाल देंगे, और वेजीज डालेंगे। और इसे 3 से 4 मिनट तक चलाएंगे। वेजीज डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक चलाएंगे मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, आप बना के देखिए। इजी रेसिपी है और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत इजी है, इसके इजीली अवेलेबल रहते हैं घर में। नमक डाल देंगे स्वादानुसार, बहुत ही टेस्टी लग रही है, बहुत ही सुंदर सुगंध चल रही है। इसमें हमने 2 टीस्पून क्रीम डाल दिया है। कढ़ाई मशरूम रेडी है। अब हम इसमें थोड़े कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे, जिससे कि बहुत अच्छी और खुशबू आती है। अभी हमारा कढ़ाई मशरूम सर्व करने के लिए रेडी है। इसे नान के साथ या रोटी के साथ खाया जा सकता है, तो खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।